प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले धनबाद के सिंदरी में उर्वरक उद्योग, रेलवे, बिजली और कोयला क्षेत्र की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 35,700 करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्रधानमंत्री दोपहर को पश्चिमी बंगाल में आरामबाग और हुगली में भी 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी झारखंड यात्रा में देश की सबसे पुरानी उर्वरक नगरी सिंदरी में 8,939 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित नए उर्वरक कारखाने का लोकार्पण करेंगे। सिंदरी का देश का सबसे पहला उर्वरक कारखाना 2 मार्च 1951 को शुरू हुआ था, लेकिन तकनीक पुरानी पड़ जाने और लगातार नुकसान की वजह से ये कारखाना 31 दिसंबर 2002 को घाटे के कारण बंद कर दिया गया था। पीएम ने 25 मई 2018 को इस कारखाने के जीर्णोद्धार की घोषणा की थी। सिंदरी उर्वरक कारखाने में 15 अप्रैल 2023 से व्यावसायिक उत्पादन की शुरुआत हो चुकी है। संयंत्र से रोजाना 2,250 मीट्रिक टन अमोनिया और 3,850 टन यूरिया के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यहाँ से उत्पादित होने वाला यूरिया नीम कोटेड होगा। कृषि के लिए इसे आदर्श उर्वरक माना जाता है। आने वाले वर्ष में इस संयंत्र से सालाना 12 लाख मीट्रिक टन यूरिया उत्पादन का लक्ष्य है। इसके अलावा प्रधानमंत्री रेलवे से जुड़ी कई परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री देवघर से गुड्डा को जोड़ने वाली मोहनपुर हसडीहा नई रेल लाइन का उद्घाटन भी करेंगे। रेलवे के अनुसार 753.48 करोड़ रुपए की लागत से मोहनपुर हसडिया रेल लाइन का निर्माण हुआ है। इसकी लंबाई 38.110 किलोमीटर है। इस नई रेल लाइन पर पहली बार चलने वाली देवघर डिब्रूगढ़ ट्रेन को पीएम मोदी हरी झंडी भी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री धनबाद में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। आम सभा को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। बैनर और पोस्टर से धनबाद शहर मोदीमय हो गया है। झारखंड की इस यात्रा में प्रधानमंत्री 15 से भी अधिक योजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। खासकर सिंदरी शहर एक बार फिर से औद्योगिक शहर के रूप में विकसित हो पाएगी।